आपका नमस्कार सर। सबसे पहले तो एक बार बाजार पर आउटलुक किस तरह से बचे हुए सेशन को देख रहे हैं आप, और एक बार अपडेट भी दें सर। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड सर, ये तो अब आपकी इम्पोर्टेड फियर है। और आप ये नहीं सुन रहे, आप हेडलाइन नहीं बता दे अनिल जी कि आज मुंबई ने बोल दिया 1 फरवरी से लोकल ट्रेन वापस सारी ओपन हो जाएंगी। इससे ज्यादा बुलिशनेस क्या हो सकती है सर? आपकी लाइफ वापस आ गई, लोगों के यहाँ कोविड कम हो रहा है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग चढ़ेगी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू एक्सट्रीमली गुड बजट विद अ टैक्स कट विच आई सपोज विल बी न्यूट्रल टू द मार्केट, और इससे ज्यादा सपोर्ट आपको क्या चाहिए? आर फिस्कल पोजिशन इज इन द बेस्ट पोजिशन ग्लोबली विच इज देयर। तो मुझे लगता है ये इग्नोर करिए नॉइज और अच्छे शेयर लीजिए। अच्छे शेयर आपको मिलेंगे नहीं जब तक कोई उनमें कोलैटरल सेलिंग नहीं, और कोलैटरल सेलिंग आपको दिख रही है कि एशिया और यूरोप में इज मोर टू डू विद ग्लोबल अनवाइंडिंग एंड सम ऑफ द फियास्कोस विद सम ऑफ द हेज फंड्स हैव हैड विद द यू नो गेमिंग स्टॉक्स। तो मैं सोच नहीं सकता इससे अच्छा टाइम है लेने का। आज शुक्रवार है अनिल जी, अगले शुक्रवार जब हम बैठेंगे तो 14,400-14,500 के पास होंगे, ये याद रखना। तो ये मौका है लेने का, फिर बाद में मत कहना कि मौका आया और हमसे लिया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो तथास्तु। बढ़िया है, लोग वैसे ही 5 दिनों की मंदी से परेशान हो चुके हैं, थोड़ी रिकवरी आए तो बहुत ही बढ़िया। बताइए सर अब क्या करना है? थोड़ी नहीं सर, पूरी आएगी। मुंबई वॉज द फर्स्ट टू लॉकडाउन एंड द लॉन्गेस्ट लॉकडाउन, और वो इतना कॉन्फिडेंस है अपना सर। आपको बताया कि लोगों के अंदर कितनी पेंट अप फीलिंग है घर बैठ बैठ के, तो वो बाहर जाएंगे उनको कोई मतलब नहीं कि यूरोप में या किसी एफआई ने ओवर लीवरेज किया है। और बाय द वे अनिल जी, मैंने एफआईज को इतना बुलिश इंडिया पे कभी नहीं देखा, तो मेरे को तो कोई दो राय नहीं कि आई एम पुटिंग माई मनी वेयर माई माउथ इज। वी आर फुली इन्वेस्टेड एंड वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर इन दिस फॉल, सो वी आर वेटिंग फॉर दिस फॉल। अब आपके लिए दो बायज है अनिल जी, आप कहे तो मैं शुरू करूँ, और दोनों दिग्गज नाम है। जी सर प्लीज बताएं सर। आपको आंखें बंद करके देखिए, टेक्नोलॉजी के शेयर जो सबसे अच्छे नंबर लाया था टीसीएस, वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। 3140-3145 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3070, लेकिन वापस 3400 का भाव दिख जाएगा। दूसरा भाई, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र रीओपनिंग बजाज फाइनेंस विल बिकम द बिगेस्ट की, 4835-45 में लीजिए, 4765 का स्टॉप लॉस, ये 5000 रुपए का भाव दिख जाना चाहिए आपको 2 दिन में। ओके, तो दो बेहतरीन स्टॉक खरीदे बाजार का दिग्गज। टीसीएस में खरीदारी करने की राय 3140-45 के आसपास, 3070 का लगाइए स्टॉप लॉस, 3070 टारगेट 3400-3400। खरीदिए बजाज फाइनेंस, सुबह बजाज फिनसर्व खरीदने की राय दी थी वसीन साहब ने, और एक्सेलटेक, एक आईटी और एक फाइनेंस कंपनी, दोनों फिर से उनके रडार पर है। और 4835-4845 इस रेंज में खरीदिए, 4765-4765 4765 स्टॉप लॉस का लेवल है, 5000 तक फिर से 2 दिनों में जाने की संभावना बजाज फाइनेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया सर दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए।